यजमान बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने अदा कर रहे हैं और याबोकी भी जो है खिदमान आप जो है हमेशा जो है यामुल की खिदमात में रहे हैं। हम तहे दिल से उर्दू कमेटी की सारे मेंबरान की जानिब से और जालियात याबो सनाई की जानिब से शेख अजमल करम का शुक्रिया अदा करते हैं और इस प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं और आप सबका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपना कीमती वक्त यहाँ आने के लिए निकाला है। इंशाअल्लाह जो है कल वर्किंग डे है तो हम इंशाअल्लाह ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, एक घंटा या एक घंटा दस मिनट का प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। इस बात को जो है हम मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम को थोड़ा सा जो है शॉर्ट किया है, तो आप बिल्कुल जो है अपने मोबाइल्स को साइलेंट कर लें या उसे स्विच ऑफ कर लें ताकि प्रोग्राम शुरू होने के बाद में फिर वो घंटी बजना शुरू ना हो जाए। जैसे कि अक्सर देखा गया है कि ऐलान के बावजूद भी प्रोग्राम के शुरू होते ही 5 मिनट में जो है इंशाल्लाह आपकी घंटियाँ बजने शुरू हो जाती हैं, तो प्रोग्राम को कदम से बचाने के लिए जो है इसको आप स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट कर लें। अगर ज़रूरी है कोई मैसेज आपका आ सकता है तो उसे साइलेंट कर लें। तो बिला ताखीर मैं शेख मोहतरम को दावत शुक्रान देता हूँ। आइए हम इस फितनों के दौर में जो है शेख मोहतरम से जानकारी हासिल करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि हमारी क्या जिम्मेदारी। आज हर माहौल में देखिए, हर मुल्क हर खत्ते में देखिए फितनों के जो है कितने फितने बरपा हैं और उम्मत परेशान है फितनों की वजह से, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है आइए हम शेख मोहतरम से जानते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। जज़ाकल्लाह। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. محترم علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को फितनों और आजमाइशों की दुनिया बनाया है और हर दिन हर लम्हा इंसान किसी न किसी इम्तहान और आजमाइश से गुजर रहा है। इन आजमाइशों को ख़त्म करना, इन इम्तहानात को, इन फितनों को ख़त्म करना इंसान के बस की बात नहीं है। एक फितना जाता है, दूसरा आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को ऐसा ही बनाया है। इसका मकसद ये है कि इंसान इन आजमाइशों में पड़े और उसमें उसकी दीनदारी का, उसके ईमान का, उसके तक्वा का इम्तहान हो और आखिरत की ज़िंदगी में उसके मुताबिक उसके साथ मामला किया जाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुमको आजमाते हैं शर और खैर के ज़रिए इम्तहान के तौर पर। व इलैना तुरजऊन, और पलट के तुमको हमारे पास आना है। इंसान को पलट के अल्लाह के पास जाना है, मौत के बाद अल्लाह के पास उसकी हाज़िरी, दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, उसके लिए मौत यकीनी। लेकिन जब तक उसके पास ज़िंदगी है
इस जिंदगी में इम्तहानात, आजमाइशें, फितने, मुसीबतें, परेशानियां, बुरे हालात, कभी अच्छे भी हालात आएंगे। चाहे अच्छे हालात हों या बुरे हालात हों, चाहे माल और दौलत उसके पास हो या फ़ख्र फाका हो, चाहे वो बीमार हो या सेहतमंद हो, चाहे सियासी हालात अच्छे हों या बुरे हों, उस इन दोनों हालात में उसका इम्तहान होने वाला है। ये नहीं कि इम्तहान सिर्फ बुरे हालात में होता है, इम्तहान अच्छे हालात में भी होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुमको आजमाते हैं शर के जरिए से और खैर के जरिए से भी। इन दोनों चीज़ों के जरिए इंसान का इम्तहान दिया जाता है। लिहाजा एक इंसान को चाहिए कि वो इम्तहान को ख़त्म करने की न सोचे, इम्तहान से फरार की न सोचे, बल्कि ये देखे कि इस इम्तहान में कामयाब कैसे हो सकते हैं। इस इम्तहान से आप भाग नहीं सकते, दुनिया में आए का मतलब इम्तहान में आ गए, अब इससे फरार मुमकिन नहीं है। हाँ, इसमें कामयाबी का रास्ता हमको तलाश करना चाहिए कि इस इम्तहान में हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। और कामयाबी हर एक के लिए मुमकिन है, अगर हर एक के लिए मुमकिन ना होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइश में इंसान को डालता नहीं। कामयाबी का रास्ता हर एक के लिए खुला हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक के लिए इम्कान रखा है कि अगर वो कामयाब होने के लिए जो करना चाहिए अगर वो कर ले कामयाब हो सकता है। इसमें गोरे, काले, अरब, अजम या किसी भी ख़ास खत्ते, इलाके, किसी ख़ास नसब वालों की तख़सीस नहीं है कि सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे। मर्द और औरत की भी कोई उसमें तमीज़ नहीं है, हर एक के लिए अल्लाह की तरफ से दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर वो अपने रब की रज़ा को पूरा करता है, अपने रब की मर्ज़ियात को पूरा करता है तो कामयाब हो सकता है। लेकिन फितने ख़त्म नहीं होंगे, एक के बाद एक फितने आने वाले हैं, इससे फरार मुमकिन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इस बारे में बहुत ज़्यादा है। कुछ अहादीस, कुछ बातें, कुछ आयात का मुताला आज के इस दर्स में, इस किताब में हम करेंगे ताकि इजमाली तौर पर कुछ बातें इस बाब में हमको मालूम हो जाए। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है, ज़ुबैर इब्न अदी कहते हैं, अतैना अनस इब्न मालिक, हम अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में हाजिर हुए। فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج, हमने हज्जाज इब्न यूसुफ की तरफ से आने वाली तकलीफ़ों और शदायत की, उनके पास शिकायत की कि कितना हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, कितना हमारे साथ मुसीबत के पहाड़ पर तोड़ रहा है। فقال اصبروا, अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ نے کہا صبر کرو, اصبروا, اور دین پر جمے رہو۔ صبر کے دونوں معنی ہوتے ہیں, صبر کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو शिकायत से रोको, अल्लाह ताला की शिकायत से, अपने आप को ऐसे कामों से रोको जो शरीयत को फलांगने वाले हों, अपने आप को दीन पर जमाए रखो, दीन छोड़ के हटो मत, जमे रहो, दीन पर जमे रहो, बर्दाश्त करो, इस्बिरु। फइन्नहु ला याती अलैकुम ज़मानुन इल्ला अल्लज़ी बादहु शर्रुम मिन्हु हत्ता तल्क़ौ रब्बकुम, तुम सब्र करो इसलिए कि हर आने वाला दौर पिछले दौर से ज़्यादा शर वाला होगा यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलो। और फरमाया, समितू मिन नबीकुम, ये बात मैंने तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने किताबुल फितर में रिवायत किया है। इमाम बुखारी ने जो हिस्से किए हैं सही बुखारी के, और उसमें किताबें होती हैं जिसमें किताबुल ईमान है, किताबुल इल्म है, एक हिस्सा उसका है, एक सेक्शन उसका है किताबुल फितर, फितनों की किताब, आने वाले दौर में जो जो फितने आने वाले हैं उनका तज़किरा इमाम अल-बुखारी ने किया। और सिर्फ इसमें तफ़सीस इमाम अल-बुखारी की नहीं है, आम तौर से मुहद्दिसीन का ये तरीक़ा रहा है कि वो अपनी हदीस की किताबों में, ख़ास तौर से वो किताबें जिनको जामे कहा जाता है, जामे तिरमिज़ी या इसी तरह से और किताबें, इनमें फितन के भी अबवाब होते हैं कि आने वाले कौन कौन से फितने हैं, उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया, और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही से बता दिया था कि आने वाले दौर बहुत ही ज़्यादा शर और फितनों के होंगे, बल्कि हर आने वाला दौर पिछले दौर से ज़्यादा शर वाला होगा। इस ताल्लुक से एक और रिवायत है जिसको इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है अपनी जामे में, उसके अल्फाज हैं कि मा मिन आमिन इल्ला वल्लज़ी बादहु शर्रु मिन्हु हत्ता तल्क़ौ रब्बकुम, हर आने वाला साल अपने पिछले साल से ज़्यादा शर वाला होगा यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलो, यानी तुम्हें मौत आ जाए,
यानी मौत तक तुमको फितनों ही में रहना है, आजमाइशों में रहना है, और हर आने वाला दौर, हर आने वाला साल पिछले साल से ज्यादा शर वाला होगा। शर कई एतबार से, जान माल इज्जत की खराबी के एतबार से, बेदीनी के एतबार से, फहाशी के एतबार से, हलाल और हराम के मामले में लोगों की लग्जिश के एतबार से, या किसी भी एतबार से आने वाला दौर पिछले दौर से ज्यादा शर वाला होगा। तो इस हदीस में तो हर साल के बारे में बता दिया गया कि हर आने वाला साल पिछले साल से ज्यादा शर वाला होगा। तो इस बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बयान कर दिया है, और ये सहाबा के जमाने में सहाबा इसको जहन में रखते थे, आने वाला दौर ज्यादा शर वाला है। आज हम कितने दूर आ चुके हैं, आप गौर करें, आज भी हमारे लिए वो हदीस अपनी जगह कायम है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले जो लोग जिस जिंदगी को, जिस माहौल को, जिस समाज को देख रहे थे, जिस दुनिया में हम लोग जी रहे थे, आज की दुनिया, आज का माहौल, आज का समाज, आज का अतराफ हमारा उससे ज्यादा शर वाला है, और इसके आगे भी शर के मामला बढ़ते चले जाएंगे। इसको आप खत्म नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं कि अपने अतराफ कुछ कोशिश करके आप लोगों को बचा लें, अपने आप को बचा लें। आपको यही करना है कि आप इस शर से अपने आप को और अपने मुतालिकीन को जहां तक आपकी पहुंच हो, कैसे आप अपने आप को इस शर के तूफान से बचा सके, ये हमको सोचना है, और आज की गुफ्तगू में इसी पर हमको गौर करना है। दो चीजें जानना जरूरी है, एक मुसीबत क्या है, मसला क्या है, बीमारी क्या है, दूसरे उसका इलाज क्या है, उसके सिलसिले में हमको करना क्या चाहिए, उससे बचाव क्या है। लिहाजा ये दो हिस्से जो हैं आज के हमारे इस गुफ्तगू के दो हिस्से, कि किन चीजों को के जरिए हमारी आजमाइश होती है, कौन सी चीजें हैं जिनके जरिए हम शर में मुब्तला हो सकते हैं, कहां कहां हमसे गलती हो सकती है, किन मामलात में हमारा इम्तहान है, एक दो, उसमें बचने के लिए, इस फितने से बचने के लिए, आजमाइश में फेल होने से बचने के लिए हमको करना क्या चाहिए। तो इन दोनों पहलुओं पर हम इंशाल्लाह इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करेंगे। फितने बहुत ज्यादा हो जाएंगे बाद के दौर में, बाद के दौर में फितने बढ़ जाएंगे। फितने तो हर जमाने में रहे, और इंसान जब से तब से आजमाइश है, इंसान को अल्लाह ने आजमाइश ही के लिए पैदा किया है, लेकिन बाद के दौर में फितने, आजमाइशें, शर, इनकी कसरत भी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इस बात को मजीद वाज़ेह करती है। उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, अशरफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उतुम मिन आताम मदीना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक यानी इमारत के ऊपरी हिस्से पर तशरीफ ले गए। فقال هل ترون ما ارى, आपने कहा तुम देखते हो जो मैं देख रहा हूं। فقالوا لا, लोगों ने कहा कि नहीं, अल्लाह के रसूल हमको नहीं दिखाई दे रहा जो आपको दिखाई देता है। قال فاني لا ارى الفتن تقع خلال بيوتكم كوضع القطع, आपने कहा मैं फितने देख रहा हूं तुम्हारे घरों के ऊपर बरस रहे हैं, घरों के दरमियान बरस रहे हैं, जैसे बारिश के कतरे टपकते हैं, बारिश के कतरे जमीन पर आते हैं, जैसे बारिश होती है एक के बाद एक लगातार, वैसे फितने घरों के ऊपर बरस रहे मदीना में। और आपने फरमाया, ये हदीस बुखारी मुस्लिम की है। इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फितनों की शुरुआत मदीना ही में हो चुकी थी, और इस तरफ इशारा किया कि उस्मान इब्न अफ्फान रजी अल्लाह तआला का जो कत्ल किया गया वहीं से सारी मुसीबत शुरू हुई। इब्न हजर ने फतहुल बारी में तफसील से इसको समझाया है, इसका वक्त अभी नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी ही में बता दिया था कि मदीना में भी फितने आएंगे, आजमाइश आएंगी, मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे, और उसके बाद आने वाले अदवार में भी आपने बताया कि हर आने वाला साल पिछले साल से ज्यादा फितनों वाला होगा। फितनों का दीन पर असर क्या होता है, यानी हम क्यों फितनों के बारे में फिक्र करें, इस बारे में क्यों हम गुफ्तगू करें, क्यों सोचें, इसलिए कि फितनों से इंसान का दीन मुतासिर होता है, चाहे वह किसी भी एतबार का फितना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बात मालूम होती है, आपने फरमाया, बादिरु बिल अमाल फितनन कक़ता लैल मुज़लिम, फितनों के आने से पहले नेक अमाल कर लो। बादिरु बिल अमाल फितनन कक़ता लैल मुज़लिम, ऐसे फितने आने से पहले अमाल कर लो, नेक अमाल कर लो,
जो ऐसे फितने होंगे अंधेरी रात के टुकड़े की तरह वो अंधेरे होंगे। अंधेरे में इंसान को सोचता नहीं कि वो क्या करे, अंधेरे में रास्ता समझ में नहीं आता है, खाई और रास्ते का फर्क नहीं समझता है, गड़े और रास्ते का फर्क नहीं समझ में आता है, इंसान के लिए क्या करना किया जाए उसको सूझ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे वक्त में ये अंधेरे होते हैं। तो आपने कहा उन अवकात के, उस दौर के, उन हालात के आने से पहले आमाल कर लो, बादिरु बिल आमाल फितनन कक़ता लैल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। आदमी सुबह होगी तो मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। और आपने फरमाया अव युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, ये शाम में मुसलमान होगा मोमिन होगा तो सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। पहले जमाने में शाम से सुबह तक काफिर कैसे होगा समझ में नहीं आता था, आज इंटरनेट की वजह से समझ में आ रहा है कि रात में आदमी लगा हुआ है और रात ही में सर्च कर रहा है, ये देख रहा है, वो पढ़ रहा है, ये वेब पेज पे जा रहा है, पढ़ रहा है और सुबह होते होते इनकार हदीस तक पहुंच रहा है, सुबह होते होते वो इस्लाम से निकल जा रहा है। कि आदमी सुबह मोमिन होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन था तो सुबह को काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअर्दि मिनद दुनिया, और वो अपने दीन को दुनिया की थोड़ी सी मता के बदले बेच देगा, दुनिया की कोई फायदे के लिए, चाहे फायदा माल की शक्ल में हो, औरत की शक्ल में हो, इज्जत की शक्ल में हो, ओहदे की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, किसी न किसी चीज को पाने के लिए अपना दीन गंवा देगा, अपने उसूलों को बेच देगा, अपने दीन से दूर हो जाएगा। यदि वो दीन हो बेअ दुनिया, अपने दीन को वो दुनिया की थोड़ी सी पूंजी के बदले बेच देगा। मालूम हुआ कि फितने इंसान के दीन को मुतासिर करते हैं, यहां तक कि इंसान काफिर तक हो सकता है, इस्लाम से खारिज भी हो सकता है। लिहाजा फितनों के बारे में बेपरवाह होना, इसके बारे में गफलत में पड़े रहना अच्छी बात नहीं है। समझदार आदमी वो है जो आने वाले हालात से पहले उसकी तैयारी करता है, उसके ताल्लुक से अपने आप को अपने लिए बचाव पैदा करता है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया है। फितनों में सच्चे और झूठे, इनका फर्क साबित होता है। आजमाइशें जो आती हैं इनमें दीन पर वाकई जमने वाला और दीन से हल्का फुल्का रिश्ता रखने वाला, दोनों का फर्क वाजे हो जाता है। जो मजबूती से दीन को पकड़े रखता है ऐसा इंसान आजमाइश की आंधी में भी दीन पर जमा रहता है, लेकिन जो हल्के तौर पर अपने मफाद के लिए दीन को पकड़े रहे, जब आजमाइश आती है तो दीन को सबसे पहले छोड़ता है। इन आजमाइशों में, इन फितनों में सच्चे मोमिन और झूठे मोमिन या मुनाफिक या काफिर का दोनों का फर्क मालूम हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अहसिबन नासु अन युतरकु अन यकूलु आमन्ना व हुम ला युफ्तनू, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा, व हुम ला युफ्तनून, उन्हें फितने में नहीं डाला जाएगा, उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, उनकी आजमाइश उन पर नहीं आएगी, सिर्फ ईमान लाने का इकरार करके वो छोड़ जाएंगे। وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, इनसे जितने पहले थे इनको भी हमने आजमाया है, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, तो अल्लाह ताला भी देख लेगा, अल्लाह ताला भी जान लेगा कि कौन है जो इनमें से सच्चे हैं और कौन है जो झूठे हैं। मालूम हुआ कि सच्चे झूठे का फर्क इन आजमाइशों में हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे हालात डालता है जिससे खुल के सामने आ जाता है कि वाकई दीनदार कौन है और कौन दीनदार नहीं है। हालात आते हैं दीनदारी के इम्तहान के लिए और दीनदारी के इजहार के लिए। सच्चा आदमी, आप लोहे को आग में डालोगे तो और निखर के सामने आएगा, लेकिन जो झूठी चीज़ होगी उसको आग में तपाया जाएगा, उसका झूठा होना साबित हो जाएगा। तो यहाँ पर आजमाइशें जब आती हैं, आप देखिए अम्बिया के हालात, सालहीन के हालात, उन पर आजमाइशें आई, उन पर इम्तहानात आए, उन पर मुसीबतें आई, उन मुसीबतों में दीन पर जम के वो अल्लाह के यहाँ मकाम और मखलूक के यहाँ उस्वा बनते हैं। अल्लाह के उनको मकाम नसीब हुआ, आखिरत के मरातिब उनको मिले, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि दुनिया में भी वो दूसरों के लिए उस्वा और नमूना साबित हुए, इस्तेकामत का, दीनदारी का और पाकिजगी का और तहारत का और तकवा शियार जिंदगी का दूसरों के लिए नमूना बने। तो इन आजमाइशों में सच्चा सच्चा साबित होता है, झूठे का झूठ जाहिर हो जाता है। तो आजमाइशें लोगों को तकसीम करती हैं।
आप देखिए क़िबला तब्दील हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब तहवील क़िबले की आयत आई, कई लोग फिर गए, कई लोग फिर गए। क्यों? इसलिए कि वो लोग देख रहे थे कि ऐसा क़िबला है जो सदियों से बनी इसराइल का क़िबला रहा है, अम्बिया का क़िबला रहा है, ये कौन सा नबी है जो आके फौरन क़िबला तब्दील हो गया। तो उस वक्त कई लोग मुर्तद हो गए, कई लोग पीछे हट गए। अल्लाह ने बताया कि ये आजमाइश तुम्हारे लिए थी और अहले किताब को मालूम है कि ऐसा होने वाला था। तो यहाँ पर मालूम ये हुआ कि बाज़ औक़ात आजमाइश आती हैं, इन आजमाइशों में इंसान की दीनदारी की पुख्तगी और कमज़ोरी का सबूत या उसका इजहार हो जाता है और लोग मालूम हो जाता है कि कौन पक्के हैं। और यहाँ एक बात याद रखनी की है कि ईमान के इकरार के बाद आजमाइश आएगी। कोई आदमी ईमान लाए सोचे अब तो हम सेफ हो गए, नहीं, अब तो इम्तिहान में आपने रजिस्ट्रेशन किया है। ईमान लाने के बाद आपने अपने आप को इम्तिहान के लिए पेश किया है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अहसिब अन्नास अयुतरकु अयकुलु आमन्ना वहुम ला यफ्तरून। लोगों ने यह समझ रखा है कि हम ईमान लाए कह देंगे और इतने इकरार पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उनका इम्तिहान नहीं होगा, इम्तिहान होगा। तो इकरार ईमान के बाद इम्तिहान शुरू हो जाता है, ईमान के सच्चे या झूठे होने का। इस इम्तिहान में कौन कामयाब होता है, कौन नाकाम होता है, ये अब उसको अपने बारे में सोचना चाहिए। आइए देखते हैं दुनिया में किन किन एतबार से, किन चीज़ों से आजमाइश और फितने आएंगे। फितना कहते किसको है? अरबी जुबान में फितना कहते हैं अजाब। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया ذوقوا فتنتكم, ذوقوا فتنتكم, चखो अपना अजाब। तो इस लफ्ज फितने के माने अजाब के हैं, लेकिन फिर ये उन तमाम चीज़ों के लिए बोला जाता है जिनके जरिए एक इम्तहान में फेल होके आदमी अजाब का हकदार बनता है। लिहाजा इम्तहान का नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लोग इस इम्तहान में नाकाम होते हैं, क्योंकि इम्तहान आसान नहीं होता है, लिहाजा बहुत सारे लोग उसमें फेल हो जाते हैं और अजाब के हकदार बनते हैं। इसलिए इम्तहान को, आजमाइश को भी फितना कहा जाता है, चूँकि वो अजाब का जरिया बन जाती है। लिहाजा आजमाइश और अजाब दोनों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान की गुमराही का जरिया बन सकती हैं, क्योंकि इम्तहान, गुमराही और अजाब, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और इन तीनों चीज़ों के लिए फितने का लफ्ज आता है। शर के लिए फितने का लफ्ज आता है, इम्तहान के लिए आता है, अजाब के लिए आता है, आजमाइश के लिए आता है, मुसीबत के लिए आता है। तो इस तरह से ये जो लफ्ज़ है इन तमाम माना में इस्तेमाल होता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्तहान है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए गुमराही का सबब बन सकती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में अजाब का जरिया बन सकती हैं। एक एक करके हमको उसको जानना चाहिए और फिर उस ताल्लुक से हमको होशियार होना चाहिए और उस बारे में क्या करना चाहिए, यह कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखना है। नंबर एक, माल का फितना। एक बहुत बड़ा फितना क्या है? माल का फितना है। माल आजमाइश है, इसका मिलना भी आजमाइश है और न मिलना भी आजमाइश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न लिकुल्ली उम्मतिन फितना व इन्न फितनता उम्मती अलमाल। हर उम्मत का एक खुसूसी फितना होता है, आजमाइश होती है, शर का, गुमराही का जरिया होता है, अजाब का जरिया होता है। और मेरी उम्मत का फितना, मेरी उम्मत का इम्तहान क्या है? वो फितनता उम्मती अलमाल, मेरी उम्मत का फितना माल है। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी और हाकिम ने रिवायत किया और यह हदीस सही है। इस हदीस से बात मालूम होती है कि माल एक फितना है। क्या माल शर है? नहीं, माल शर नहीं है। अगर माल शर होता तो इसकी तमलीक हराम होती है। माल फी नफ्सी ही शर नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी नफा बख्श चीज़ है जिसका अगर इंसान दीवाना हो जाए, जिसका अगर इंसान लालच में पड़ जाए तो फिर बहुत सारे गुनाह जन्म लेते हैं। यही वो माल है जिसके पाने के लिए आदमी झूठ बोलता है, इसी माल के पाने के बाद अमानत में आदमी खयानत करता है, इसी माल के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल करते हैं, मिलावट करते हैं और इस तरह के बहुत सारे गुनाह करते हैं, तिजारत में झूठ बोलते हैं, धोखेबाजी करते हैं। यही वो माल है जिसके नतीजे में चोरी वजूद में आती है। तो ये जो माल है ये बड़ी आजमाइश है, ये बड़ा फितना है। माल इंसान को दीनदार से बेदीन कर देता है। कितने लोगों को आपने देखा होगा कि जब मालदार नहीं थे, पांच वक्त के नमाजी थे, बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता चला गया,
मसरूफियत बढ़ती चली गई, नमाजें भी छोड़ गई, रोजे भी छोड़ गए, दीन भी छोड़ गया, ऊंचे लेवल पे पहुंच गया माल के एतबार से, दुनिया के एतबार से, लेकिन ثم رددناه اسفل سافلين, लेकिन दीन के एतबार से वो पहले बहुत अच्छा था, अब एकदम गिर गया। अखलाक के एतबार से शराब पीना शुरू कर दिया, जिनाकारी उसकी जिंदगी में आ गई, उसकी जिंदगी में दीन का नाम नहीं रहा, वो अपने आप को एकदम सेक्युलर बताता है और किसी दीन की बात नहीं करता है। बड़े बड़े लोगों में घूमता उठता बैठता, मीटिंग्स में बैठता है, लेकिन दीन की कभी बात उसकी जिंदगी में नहीं आती। औलाद की तरबियत की कोई फिक्र उसको नहीं, क्यों? माल आ गया उसके पास, अब उसका स्टेटस अलग हो गया, उसका क्लास अलग हो गया। माल आने के बाद बाज़ औक़ात इंसान गुमराह हो जाता है। तो ये जो माल है, ये माल पाने के एतबार से भी, इस्तेमाल करने के एतबार से भी इंसान के लिए बड़ी आजमाइश है। इसीलिए क़यामत के दिन दो सवाल जरूर इंसान से होने वाले हैं, मिन अयन तसबहु व फीमा अनफ़क़हु, कहाँ से इस माल को कमाया और किस चीज में खर्च किया, ये दोनों सवाल होने वाले हैं। और इन दोनों एतबार से माल उसके लिए शर साबित हो सकता है। हराम तरीके से कमाया उसके लिए शर है, और हराम कामों में उसको खर्च किया, नाच गाने में, फिल्मों में, तमाशों में उसको खर्च किया, गलत कामों में, शराब और जुए में उसको खर्च किया, तो ये माल उसके लिए कयामत के दिन हलाकत का जरिया बनेगा, ये माल उसके लिए शर का जरिया बनेगा। तो इसके बारे में हदीस में यहां बताया गया कि माल फितना है। नंबर दो, ओहदा और मकाम, दुनिया में मकाम पाने की चाहत, ये भी आजमाइश है, ये भी फितना है, और इसके नशे में इंसान गुमराही के रास्ते पर निकल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा दिबान जाइआन उरसिला फी गनम बिअफसद लहा मिन हिरसिल मरई अला المال والشرف لدينه। दो चीजें, पिछली हदीस में माल आपने देखा, इस हदीस में एक दूसरी चीज और शामिल हो गई। इमाम अहमद और तिर्मिजी ने इसको रिवायत किया है, क्या फरमाया? मा दिबान जाइआन, दो भूखे भेड़िए, उरसिला फी गनम, एक बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना दो चीजें आदमी के दीन को पहुंचाती हैं। भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ को वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जो दो भूखे भेड़िए दूसरे दो चीजें आदमी के दीन को पहुंचाती हैं। वो दो चीजें क्या हैं? कहा कि मिन हिर्सिल मरई अलल माल व शर्फ लदीनी, आदमी का मान और शर्फ की चाहत, मान और ऊंचे मकाम की चाहत उसकी दीनदारी को पहुंचाती है। मालूम हुआ कि इन दो चीजों से आदमी का दीन बर्बाद होता है, माल की लालच, मकाम की लालच, माल की लालच और मकाम की लालच। आप देखिए सियासी एतबार से कितने लोग हैं सियासत में मकाम पाने के लिए क्या नहीं करते, ये भी उदीन हो बिराद मिन दुनिया, पार्टी बदल देते हैं, दीन भी बदल देते हैं, शिरकियात में पड़ जाते हैं। हमारे मुल्कों में अगर आप देखें तो आपको ये आम तौर से दिखाई देगा कि आदमी फिर बुतों की इबादत के लिए भी तैयार हो जाता है, इसलिए कि लोगों का दिल उसको रखना है, सारे लोगों को उसको जोड़ना है, आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऊंचा मकाम पाना या इसी तरह से मान पाना, इसके लिए आदमी ये चीजें, दो चीजें ऐसी जैसे दो भूखे भेड़िए हैं, जैसे रेवड़ को तबाह करते हैं, उससे ज्यादा इंसान के दीन को उसके छीतड़े कर देते हैं, उसको यानी उसके दीन को तबाह कर देते हैं। इस हदीस को इमाम अहमद और तिर्मिजी ने रिवायत किया है। तीसरी आजमाइश और तीसरा फितना इंसान के लिए औरत है। औरत फी नफ्सी ही बुरी नहीं, मर्द के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला ने औरत पैदा की है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से जब बसाया तो उनके साथ उनके लिए औरत बीवी उनको दी, तो औरत बुरी नहीं है, लेकिन औरत की कमजोरी और उसकी खूबसूरती बड़ी मुसीबत है। औरत की कमजोरी और उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न इंसान के लिए फितना है। इन दो रास्तों से आदमी नाकाम होता है, औरत की कमजोरी की वजह से उस पर जुल्म करके, औरत की कमजोरी की वजह से बीवी की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, बहनों की शक्ल में, मां की शक्ल में कमजोर औरत उसके साथ जुल्म करके, उसके साथ बदतमीजी करके आदमी अपनी आदत खराब करता है, या औरत की खूबसूरती के धोखे में आकर अपने दीन को बर्बाद करता है। आप आलमी सतह पर देखिए यही जुल्म है औरतों के साथ जो बाज लोगों ने किया होगा, इसी के नतीजे में औरतें हुकूमतों के पास जाकर उन्होंने कहा कि हमको तलाक का कानून चेंज कर दो, यही तो हुआ ना। कुछ औरतें जिनको जिन पर किसी ने जुल्म किया होगा या किसी ने उनको लालच दी होगी, कुछ लोगों के केसेस की वजह से सारे मामलात बिगड़ गए। किसने किया ऐसा? मुसलमान मर्दों ने किया।
इनकी गलतियों की वजह से सारे मुसलमानों को बल्कि इस्लामी शरीयत को उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो औरत इंसान के लिए इम्तहान है, वो कमजोर है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं अपनी बात तुमको वसीयत करता हूँ औरतों के सिलसिले में, इस्तौसु बिन्निसाए खैरन, औरतों के बारे में भलाई की मेरी वसीयत मान लो, इस्तौसु मेरी वसीयत ले लो, कबूल कर लो कि तुमको औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है। अगर नहीं करेंगे ये औरतें गुमराही की तरफ जाएंगी। बाज़ औक़ात माँ बाप का जुल्म अपनी औलाद पर उनको गुमराही के रास्ते पर डाल देता है, बाज़ औक़ात माँ बाप की बेफिक्री अपनी औलाद के सिलसिले में उनको गुमराही के रास्ते पर बच्चियों को डाल देती है। कई बच्चियाँ हैं, आप देखिए माहौल क्या है आज आलमी सतह पर, औरतों का माहौल आप देखिए, कॉल सेंटर्स में जॉब करने वाली औरतों को आप देखिए, बेहयाई और कितना आज यानी मगरबियत उनके अंदर आ चुकी है, कितने लोग गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही हैं, कितने मामले ऐसे पेश आ रहे हैं। औरत का मामला आजमाइश वाला है कि एक इंसान उनके हुकूक अदा करता है कि नहीं करता है, माँ का हक अदा करता है कि नहीं करता है, बीवी का हक अदा करता है कि नहीं, बहनों का हक जायदाद में अदा करता है कि नहीं, अपनी बेटी के साथ उसने सुलूक करता है नहीं, या बेटों को तरजीह देता है बेटी के ऊपर कि ये कमा के मेरे बुढ़ापे की लाठी है और ये तो मेरे ऊपर बोझ है, ये उसके लिए आजमाइश है, इम्तहान है। औरत इन तमाम शक्लों में इंसान के लिए इम्तहान है। फिर पराई औरतें हैं, रास्ते से चलने वाली औरतें, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, चैटिंग में, औरत उसके लिए आजमाइश है। कितने घर तबाह हो गए इसी वजह से, निकाह के बाद शौहर भी लगा हुआ है, बीवी भी लगी हुई है और दोनों का निकाह कमजोर है, लेकिन निकाह के बाहर के ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं। औरत का फितना, औरत का इम्तहान बहुत बहुत बड़ा सख्त है। इनका मामला इन्ना कैदकुन अज़ीम, तुम्हारी कैद बड़ी बड़ी अजीम है। औरतों का मामला बड़ा मुश्किल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस बात को मजीद वाज़ेह करती है। आपने फरमाया मा तरक्तु बादी फितनतन अदर अला रिजाल मिनन निसा, मैंने अपने बाद मर्दों पर औरत से बढ़ के कोई और नुकसान पहुंचाने वाला फितना नहीं छोड़ा। मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से ज्यादा कोई फितना नहीं छोड़ा जो मर्दों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और आप समझ सकते हैं आदमी कितने रिश्तों में घिरा हुआ है, माँ का रिश्ता है, बेटी का रिश्ता है, बीवी का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है और पराई औरतें भी हैं। इस पूरे माशरे के अंदर आदमी जी रहा है, इससे कितनी ज्यादा गलतियां हो सकती हैं। और ये इन तमाम मामलों में उसका इम्तहान है कि वो हकूक अदा करता है कि नहीं करता है, और इसी तरह से अपने दामन को गंदगी से बचाता है या नहीं बचाता है। ये दोनों इम्तहान उसके हैं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। नंबर चार, घर वाले, बीवी बच्चे। औरत तो एक उमूमी शक्ल हो गई जो कई रिश्तों में आ गई, खास तौर से बीवी बच्चे भी इंसान के लिए फितना है। फितने का मतलब ये नहीं कि वो नहीं होना चाहिए या बुरे होते हैं, ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उसके लिए आजमाइश, वो फेल होकर जहन्नम में जा सकता है, उसके लिए वो शर का जरिया बन सकते हैं, उनकी अंधी मोहब्बत में इंसान गुमराही और गुनाह में वाकई हो सकता है, ये बहुत बड़ा मसला उसके लिए है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, और अल्लाह के पास अजर अज़ीम है। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। औलाद इंसान के लिए बहुत बड़ा इम्तहान है, चाहे वो बेटे की शक्ल में हो या बेटी की शक्ल में हो। बेटी की शक्ल में बाज़ औक़ात और ज्यादा बड़ा इम्तहान होता है, बेटी की तरबियत करना, एक के बाद एक बेटी हो गई, बेटी दो बेटियां तीन बेटियां, आदमी का दिल एकदम ये हो जाता है, चौथी हो गई तो समझ लीजिए हार्ट अटैक आने की बारी आ गई। अल्लाह का करम है, अहले इल्म की तरबियत से बाज लोगों को चार चार पांच पांच बेटियां हैं, तीन तीन बेटियां हैं, वो उसको खुशकिस्मती समझते हैं कि जन्नत की चाबी हमको मिल गई। तीन बेटियां अगर मिल गई, उनकी सही परवरिश करके अगर इंसान उनका निकाह करके दे दे और अच्छी जिंदगी वो जिए, इसके लिए कयामत के दिन वो जहन्नम से हिजाब बनेंगी, जहन्नम से आड़ बनेंगी, ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन आम हालात आप देखिए, हिंदुस्तान जैसे हमारे मुल्कों के अंदर बच्चियों को माँ के पेट में दफन किया जा रहा है, लड़कियों की गिनती घट रही है, लड़कों की बढ़ रही है, कई स्टेट्स में निकाह के लिए लड़के परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि माँ बाप नहीं चाहते हैं कि बेटी पैदा हो। बेटी पैदा होगी, परवरिश करनी पड़ेगी, इज्जत जिल्लत का मामला होगा,
उसके बाद निकाह है, निकाह करके देने के लिए दहेज चाहिए, दहेज के बाद भी उसको दूसरों के घर घर में देंगे, उनका दबाव हमारे ऊपर रहेगा, नहीं चाहिए हमको ऐसी मुसीबत, हमारे क्या काम आएगी, पढ़ा लिखा के बड़ा करो, बगैर पढ़ा लिखा निकाह नहीं होगा, उतना खर्चा उसमें डालो, और खर्च करने के बाद जब निकाह करके देंगे दहेज दो, दहेज देने के बाद भी उनका दबाव रहेगा, हो सकता है हमसे और डिमांड करे, कार चाहिए, मोटर चाहिए, बिजनेस कर रहा हूं, पैसा चाहिए, बड़ी मुसीबत है ये, बेटी नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब कुछ तो करो, डॉक्टर साहब भी लेके इंजेक्शन दे रहा है, नहीं चाहिए फला चीज, नहीं चाहिए, कितनी कितनी माओ के पेटों को खाली कर दिया गया, बच्चों को कत्ल कर दिया गया, 4 महीने के बाद नहीं, कई महीनों के बाद। وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, जब जिंदा दफन की गई बच्ची से पूछा जाएगा किस गुनाह के जुर्म में तुझको कत्ल किया गया था, आज तो पैदा भी नहीं, उसके माँ के पेट में दफन कर दिया जा रहा उसको, वही कत्ल कर दिया जा रहा उसको, ये रिश्ता बहुत सख्त है, बहुत अहम रिश्ता है, बेटी का रिश्ता, बीवी का रिश्ता, बहनों का रिश्ता, बीवी के हकूक, बहनों के हकूक, जायदाद में बाप जायदाद छोड़ के गया, बहनों का कितना हक दिया तुमने, तुम्हारा निकाह ने कर दिया, दहेज दे दिया, बस छुट्टी, अब आना नहीं वापस, नहीं, उनका हक है, तुमने दहेज दिया, तुम्हारी मर्जी, तुमने थोड़ी ना उसको विरासत दी, बाप मरा थोड़ी ना था, तब मरने के बाद जायदाद का मामला आएगा, कहां थी उनकी जायदाद, नहीं, इम्तहान, रास्ते से हर गुजरने वाली औरत आपका इम्तहान है, क्या आप निगाह को झुकाते हो या उसको देखते हो, उसके हुस्न से लज्जत लेते हो या अपने आप को अपने दिल को से बचाते हो। قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم, اے نبی ایمان والے مردوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, نگاہیں جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے۔ آدمی بازاروں میں گھوم رہا ہے, حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ یعنی آدمی ویڈیو نکال رہا ہے, حرم میں جا کے عورتیں, ایسی عورتیں ہیں جن کے چہرے بھی کھلے ہیں اور یہ آدمی ویڈیو کے نکال رہا ہے, کتنی شرم کی بات ہے۔ तो ये जो है यानी उलमा हमेशा इसकी नसीहत करते रहते हैं कि आदमी हरम में जाए तो इसका भी खास ख्याल रखे, अपनी निगाहों की हिफाजत करे, क्यों वहां पे फितना बहुत ज्यादा हो सकता है उसके लिए, उस जगह पाक घर में अल्लाह के जाकर भी आदमी गुनाहगार हो सकता है, कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी यानी काबा के करीब हो और अल्लाह के नजदीक वो गुनाहगार हो, ये सारी चीजें याद रखने की है। तो तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल फितने, इसी तरह से हदीस में है कि इन नफी माल रजुली फितना وفی زوجته فتنہ وولدیہ, آپ نے فرمایا تمہارے آدمی کا مال اس کے لیے فتنہ ہے, آدمی کے لیے اس کے مال میں امتحان ہے اور اس کی بیوی میں اور اس کی اولاد میں فتنہ ہے, فتنہ آزمائش ہے, لغزش کا مقام ہے, اس کا مال اس کا پاؤں پھسل سکتا ہے مال کے معاملے میں, اور بیوی کے معاملے میں قدم ڈگمگا سکتے ہیں, بیوی کی چاہت ہے उसको फुला चीज चाहिए, शरीर की इजाजत नहीं लेकिन बीवी की डिमांड है, बीवी चाहती है ऐसा हो ऐसा नहीं हो, तो बीवी की चाहत पर माँ बाप के साथ सुलूक ना हो, बीवी की चाहत पर हराम चीजों का इर्तिकाब हो, उसकी हराम ख्वाहिशात पूरी की जाए, हराम चीजें लाके उसको दी जाए, बीवी की ख्वाहिश है, इम्तहान है, औलाद औलाद की चाहत, औलाद की मोहब्बत में दीवाना हो के अंधा हो के आदमी बहुत सारे काम करता है जो नहीं करना चाहिए। निकाहों में आप देखिए बेटी है, बेटी का निकाह है, अब इस निकाह के लिए क्या करें, लड़के वालों की डिमांड है, नाच गाना होगा, बेहयाई होगी, बेपर्दगी होगी, सब होगा, चलेगा, क्या करें, निकाह होना बच्ची का, बच्ची की मोहब्बत है, अच्छा घर है, अच्छा घर है, अच्छे घर के नाम पर सारी खुराफात होती है, अच्छा घर की तारीफ क्या है, खाते पीते घर के हैं, दीनदार है नहीं, कोई तमीज नहीं है, मेरी बच्ची मेरे घर में खाती थी, उस घर में भी जाके अच्छी रानी बन के रहे, खाए पिए खुश रहे, लिहाजा मालदार घर में मैं देना चाहता हूं, दीनदार नहीं वो, उसके लिए सारी चीजें बर्दाश्त कर लेता है। औलाद की मोहब्बत इंसान से बहुत सारे जुर्म कराती है, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, फितना है, इन नफी माल रजुल फितना, आदमी के माल में उसका फितना है, उसकी बीवी में, उफी ज़ौजतिही फितनतन व वलदिही, उसकी बीवी में और उसके औलाद में उसकी आजमाइश है, ये सारे हमारे इम्तहान होने वाले हैं। औलाद के सिलसिले में भी आदमी यानी होशमंद रहे, आज औलाद बहुत बिगाड़ की तरफ जा रही है और हर मुल्क के लोग परेशान हैं, सारी दुनिया के लोग परेशान हैं, औलाद को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है, लिहाजा ये भी एक चीज़ है जो याद रखने की, इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया है। इसी तरह से दुनिया की तकलीफें भी इंसान के लिए फितना और आजमाइश है, इन तकलीफों की वजह से आदमी सबसे पहले दीन को सलाम करता है, दीन ही का ऐसा मामला, देखिए आप कितने लोग मिलेंगे आपको,
जरा सी मुसीबत आई खाना पीना नहीं छोड़ता, पेशाब पाखाना नहीं छोड़ता, दीन छोड़ता। किसी आदमी से पूछे, क्या भाई आपने नमाज को दिखाई दे रहे ना आप, और ये चेहरा भी आपने दाढ़ी वाड़ी भी साफ कर दी, तो आपने क्या कर दिया, क्या हुआ? बहुत हालात टेंशन बहुत ज्यादा है, उसको परेशानियां बहुत आ रही है, मूड खराब हो गया मेरा, एकदम दिल उड़ गया मेरा, उचाट हो गया, सब छोड़ दिया। भाई तूने ना खाना छोड़ा, ना पीना छोड़ा, ना पेशाब छोड़ा, ना पखाना छोड़ा, सब नहीं छोड़ा तूने, अच्छे कपड़े पहनना नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, दीन क्यों छोड़ा फिर तूने? ना बीवी को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा, किसी को दुनिया को भी नहीं छोड़ा, तो दीन को क्यों छोड़ा? आदमी सबसे पहले दीन को छोड़ता है जब मुसीबत आती है। लिहाजा ये भी एक बड़ी मुसीबत है कि आदमी मुसीबत में दीन को छोड़े। क्यों? इसलिए कि दीन ही तो है जो मुसीबत में नहीं छोड़ने की चीज है। अल्लाह की मदद का जरिया दीन ही तो है, मुसीबत में निकालने का जरिया दीन ही तो है, यही तो वसीला है जो मुसीबतों में इंसान को बचाएगा, यही तो वसीला है जो इंसान के लिए नजात का रास्ता है। शैतान धोखा देके उसको सबसे पहले दीन छोड़ने लगाता है। कितने नौजवान है जॉब नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, रिश्ता नहीं मिल रहा है, क्या सब छोड़ दिया, छोड़ दिया, मैं सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ा तू? नहीं छोड़ना चाहिए तुम्हें, तो दीन मत छोड़। दीन छोड़ना ऐसे जैसे सांस लेना छोड़ना। दीन छोड़ना कैसा है? सांस लेना छोड़ता, वो टेंशन में सांस नहीं ले रहा आजकल मैं, होता ऐसा नहीं। जिंदगी मेरी है, मेरी हयात ही हमारी जिंदगी से ज्यादा कीमती दीन है। दीन के लिए जिंदगी खोई जा सकती, जिंदगी के लिए दीन नहीं खो सकते हम, दीन इतनी कीमती चीज है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो मिन अन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, लोगों में बाज ऐसे भी हैं जो बिल्कुल किनारे रह के अल्लाह की बंदगी को अख्तियार करते हैं, एकदम बाउंड्री पे रह के दीनदार बनते हैं। कैसे? फइन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना बिह, जब अच्छे हालात उन पर आते हैं, नेमतें मिलती हैं, आसाइश मिलती है, सब अच्छा अच्छा होता रहता है, तो क्या करते हैं? इत्मअन्ना बिह, मुतमईन रहते हैं, खुश रहते हैं। और وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ, जब इन पर कोई फितना आता है, मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, कोई शर्म पर आता है, انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ, चेहरा फेर के वापस हो जाते हैं, यानी दीन से मुंह मोड़ लेते हैं। انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ, अल्लाह ने फरमाया خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, ये वो शख्स है जिसने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों का खसारा मोल दिया, इसने अपने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर दिया। ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ, ये खुला खसारा है कि दुनिया में भी फेल, आखिरत में भी फेल, इससे ज्यादा फेल क्या हो सकता है? दो ही तो जिंदगी है तेरे पास, दो ही तो जिंदगियां हैं। कई ऐसे लोग होंगे जो दुनिया में फेल हो गए, भाई गरीब थे, बीमार थे, अपाहिज थे, कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, सक्सेस के कोई ब्रेक्स उनको नहीं मिले, ब्रेक हो गए, चले गए दुनिया से। कई ऐसे लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके सब्र की वजह से, उनके दीन पर जमे रहने की वजह से वहां उनको कामयाबी देगा। दुनिया में नहीं मिला इसको, बड़ी मुसीबत उठा के आया है, इसको आखिरत में ऊंचा मकाम दिया जाए। लेकिन आदमी दुनिया में भी फेल, आखिरत में भी फेल, दुनिया का भी खसारा, आखिरत का भी खसारा, इससे ज्यादा नाकाम आदमी और कौन हो सकता है? ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ, ये खुला खसारा है। कौन? जो आदमी मुसीबत के आने पर दीन छोड़ दे, मुसीबत के आने पर दीन छोड़ दे, मुसीबत के वक्त दीन ज्यादा जरूरी है, यही तो वो पनाहगाह है जिसके जरिए अल्लाह की नुसरत आती है। तो ये सूरह अलहज की आयत है, आयत नंबर 11 है, जिसमें अल्लाह ने बात कही है। तो मुसीबतों से भी आजमाइश होती है, मुसीबतों से भी आजमाइश होती है। इसी तरह से अहले बातिल भी फितना है, गुमराही के अतबार से अहले बातिल, शिर्क और कुफर की दावत देने वाले, इनकार हदीस की दावत देने वाले, और इसी तरह से गलत मनहज की दावत देने वाले गुमराह हैं, जो मुसलमानों को गुमराह करते हैं, बातिल फिरते, इनका भी एक फितना और इनकी भी एक आजमाइश है। इनके साथ इंसान अगर रब्त रखे, इनकी बात सुने, गुमराह हो सकता है, इनकी बातों में आके आदमी अपने दीन को तबाह कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यकूनु फी आखिरि ज़मानि दज्जालून कद्दाबून, आखिरी दौर में यानी बाद के दौर में कुछ लोग होंगे दज्जाल कद्दाब, दज्जाल धोखेबाज, कद्दाब झूठ बोलने वाले, बाद के दौर में ऐसे आएंगे जो तुमको दीन के मामले में कंफ्यूज करेंगे,
बातें मिलावट के साथ पेश करेंगे और बहुत सलाहियतमंद होंगे, गुमराह करेंगे तुमको। झूठ बोलेंगे अल्लाह पर, झूठ बोलेंगे रसूलों पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलेंगे और अहले इल्म पर झूठ बोलेंगे, झूठे होंगे। कद्दाबून दज्जालून यातूनकुम मिन अलअहादीथ बिमा लम तस्मऊ, तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लाएंगे कि जो तुमने सुनी नहीं होगी। अंतुम वला आबाकुम, तुमने क्या तुम्हारे बाप दादा ने भी नहीं सुनी होगी, यानी ऐसी बातें होंगी जिनकी सनद ऊपर कहीं होगी नहीं, तुमने भी नहीं सुनी, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बाप दादा ने भी नहीं सुनी। ये रस्म रिवाज वाली बात नहीं है, ये बिला सनद बातें होंगी कि किसी नस्ल में किसी यानी तबके में वो बात नहीं होगी, ये नई बात लेकर घड़ के लाएंगे। अंतुम वला आबाकुम, क्योंकि खिताब सहाबा से या उन लोगों से जो सहाबा वाले इल्म के हामिलीन है, आवाम तो वैसे भी कुछ जानती नहीं है, ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो सहाबा और सहाबा के इल्म के हामिलीन अहले इल्म, कि तुमने भी नहीं सुनी होगी और तुम्हारे ऊपर जो सिलसिला है उन्होंने भी नहीं सुनी होगी। फइयाकुम वइयाहुम, खबरदार उनसे बच के रहना। ला युफ्तिनून ला युदिलूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें गुमराह कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फितने में मुब्तला कर दें। दो बातें यहां पर कही गई, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें फितने में डाल दें, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनकी बात को मान के गुमराह हो जाओ, और कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बात मानो तो नहीं लेकिन उनकी बात से तुम्हारे ईमान में तुम्हारे दीन में ऐसा खलल वाक़े हो जाए कि ना उनकी बात पर इत्मीनान है ना हक वालों की बात पर इत्मीनान है। ऐसा भी तो होता है ना, मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी ये भी तो है ना कि कन्विंस नहीं कर सके तो कन्फ्यूज करो। हाँ, ये भी स्ट्रेटजी है, नहीं कन्विंस कर सकते अगर उसको तो उसके प्रोडक्ट में कन्फ्यूज कर दो उसको। तो ये भी तरीका होता है अहले बातिल का कि अगर वो अपनी बात पे लोगों को मुतमईन न कर सकें तो अहले हक की बात में उसको कन्फ्यूज करते हैं, इसीलिए उनको शुबहात वाले कहा जाता है, वो शुबा पैदा करते हैं, उनके पास जवाब नहीं होते, उनके पास सवाल होते हैं। लेकिन ऐसा भी तो है, ये भी तो हो सकता ना, लेकिन ऐसा क्यों है, इस तरह के सवाल लाकर तुमको तुम्हारे दीन में कन्फ्यूज कर देंगे। वला युफ्तिनूनकुम, कहीं तुम्हें वो फितने में न डाल दें, आजमाइश और इम्तिहान में न डाल दें, कन्फ्यूज न कर दे तुमको तुम्हारे दीन में। तो या तो उनकी बात को मान लोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, और अगर नहीं भी मानोगे तो उनकी बात सुनने की वजह से दिल में एक ऐसा सुराख होगा जो बंद नहीं हो पाएगा। इसीलिए सलफ क्या करते थे, अहले बातिन की बात सुनते नहीं थे। सुफयान अल-थौरी या हसन बसरी और कई सलफ से बात आई है कि उनसे किसी ने कहा अहले बातिन में से अहले बिदात में से कहा जरा एक बात सुनो हमारी, का आधी बात भी नहीं, हाथ उंगलियां कानों में डाली कहा पूरी बात क्या, एक बात क्या, आधी बात भी हमको नहीं सुनना है। क्यों, तुम्हारी बात हम सुनेंगे हमारे दिल के अंदर कहीं उसका असर हो गया निकालना मुश्किल होगा। जाने से तो रोक सकते हैं, निकालने की ताकत है आपके दिल आपके अंदर, आपके दिल में अगर एक बात चली गई आप कभी उसको निकाल नहीं सकते, लिहाजा वो बात अंदर जाके कहीं ना कहीं कभी ना कभी असर करेगी। तो अहले बातिल का एक फितना होता है, और इस दौर में आप देखिए इंटरनेट का दौर है, आदमी जा रहा है मुसलसल उसकी दो उंगलियां उसको जहन्नम में ले जा सकती हैं। कभी सुना है आपने कि आदमी दो उंगलियों से बल्कि एक उंगली से जहन्नम में गया, अंगूठे से स्वाइप कर रहा है, स्वाइप कर रहा है, यूट्यूब 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 खुला गूगल ये वो करके आदमी एक के बाद एक गुमराह लोगों की बातें सुन रहा है, कभी कादियानी की, कभी किसी और की, कभी शिया की, कभी किसी और की, उनकी रे हदीस की, गुमराह लोगों की बात सुन के उसके दिल में 50 लोगों की बात जमा हो गई। क्या हक है और क्या बातें है अब समझना मुश्किल हो गया। कितने लोगों को हमने देखा है, क्यों कहते नहीं हम लोगों का दिल पक्का है, नहीं हमको कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। इब्राहिम अलैहि सलाम कह रहे हैं अल्लाह ताला से वजनुबनी व बनी या अन नअबुद अल असनाम, ए अल्लाह, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मुझे बचा, मेरी औलाद को बचा कि कहीं हम बुतों की इबादत ना करें। वजनुबनी व बनी या अन नअबुद अल असनाम रब्बि इन्नहुन अदललन कथीरा मिन अन्नास, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, इन बुतों ने कईयों को गुमराह कर दिया है, इन बुतों ने कितनों को गुमराह कर दिया है, बिल्कुल रुके हुए स्टैटिक बुत हैं वो, उन्होंने गुमराह किया कईयों को। एक आदमी मुसलसल बोल रहा है इंटरनेट पे, वो गुमराह नहीं करेगा ना, गुमराही का दाई है वो, उसका असर बात पे नहीं, आपके दिल पे नहीं होगा, उसके साथ शैतान लगा हुआ है, क्या उसका असर नहीं होगा। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में हैं,
अल्लाह ने बताया है वला तक़रबहा भी शजरा, इस पेड़ के करीब मत जाना। शैतान आके कह रहा है कि मैं तुम्हारा खैरखा हूं, वकासमहुमा इन्नी लकुमा लमिन नासिहीन, मैं तो बस भला चाहता, भाई तुमको इसलिए बता रहा मैं कि तुम्हारा भला हो जाए, मेरा क्या इसके अंदर है। फदल्लाहुमा बिगुरूर, धोखे से उन्हें लग्जिश में डाल दिया, गलत रहनुमाई दे दी, क्या हुआ खाए ना फल। आदम अलैहि सलाम है, अल्लाह ने बिला वास्ता कोई बीच में नहीं, डायरेक्ट अल्लाह का हुक्म है, फिर भी शैतान ने करवा दिया। आप दुनिया जैसे फितने की जगह में आप समझते नहीं मैं बहुत पक्का हूँ, कोई पक्का नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को उलटने पलटने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर जमाए रख। आप कौन है, मैं कौन? हमारा नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए भेजा, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے نبی آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہو, آپ ڈر رہے ہیں اپنے بارے میں, ابراہیم علیہ السلام خلیل, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل, ان دونوں کے بارے میں آیا, دونوں ڈر رہے ہیں, ہم کیا ہیں, ہم کو اتنا کانفیڈنس ہے اپنی ذات پر, اس لیے کہ بہت سے کانفیڈنس جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی علم نہیں ہوتا, بہت کانفیڈنس ہوتا ہے اس کو, جو جانکار تھا نہیں ذرا کیا کرو, کیوں اس کو معلوم نہیں ہے, تو کم علمی بہت بڑی جرات بھی پیدا کرتی ہے, وہ جرات فائدے والی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اہل بدعت کے معاملے میں آدمی محتاط رہے۔ یہ جو چیز ہے کہ اہل باطل کا فتنہ, یہ جو فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بتلائی جس سے مسلمانوں کو بچنے کے لیے اور احتیاط کرنے کے لیے کہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا غير الدجال اخوفني على امتي قالها ثلاثا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دجال سے بڑھ کر بھی اپنی امت پر ایک اور چیز ہے جس کا خوف ہے۔ تین بار آپ نے بات کہی دجال سے بڑھ کے مجھے اپنی امت پر ایک اور چیز کا خوف ہے۔ قال قلت يا رسول الله ما هذا الذي غير الدجال اخوفك على امتي, آپ صحابی نے کہا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول وہ کیا چیز ہے کہ آپ کو اپنی امت پر دجال سے بھی زیادہ اس کا خوف ہے؟ تو آپ نے فرمایا ائمتن مضلین, ائمتن مضلین گمراہ کرنے والے ائمہ, ائمہ امام کس کو کہتے ہیں؟ رہنما, سردار, لوگوں کا سردار, لیڈر, لوگوں کا رہنما, لوگوں کا امام۔ تو کہا کہ ائمت مضلین گمراہ کرنے والے ائمہ, مجھے اپنی امت پر ان کا سب سے زیادہ خوف ہے کہ ایسے لوگ جو لوگوں کے لیڈر بن کے بیٹھے ہوں, لوگوں کے رہنما بن کے بیٹھے ہوں اور لوگوں کو گمراہ کریں, قوم پوری کی پوری ان کے پیچھے چلی جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اہل حق سے جوڑ کے رکھے, ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے اور ان کی رہنمائی میں چلے, نہ کہ یہ کہ آدمی کہے نہیں میں سب کی سنتا ہوں اور ان میں سے صحیح چن چن کے کرتا ہوں۔ تو اتنا صلاحیت مند ہوتا, اتنا صلاحیت مند تو ہے کہ سارے لوگوں میں تو فیصل بن جائے کہ کس کی بات صحیح کس کی غلط۔ نہیں, ہم اتنے زیادہ متمکن نہیں ہیں کہ ہم اپنے فہم پر اپنی سوچ پر اعتماد کریں, ہم کو چاہیے کہ صحیح ذریعے سے علم حاصل کریں نہ کہ غلط ذریعے سے۔ اسی طرح سے ایک فتنہ شیطان کا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه, اللہ تعالی فرمایا اے بنی آدم, اے بنی آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے, کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوا دیا۔ تمہارے ماں باپ کو کون ہے؟ ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا, جیسے ان کو جنت سے نکلوا دیا تم کو ایسے فتنے میں نہ ڈالتے, تم کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالتے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما, ان سے ان کے لباس اتروا دیے اور ان کی چھپانے کی جگہیں ایک دوسرے پر ظاہر کر دیے۔ شیطان دکھاتا ہے تم بادشاہ بن جاؤ گے, لیکن ایسا کرتا ہے کہ انسان شرمندہ ہو جائے۔ دونوں کیا کرنے لگے؟ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے, یعنی جنت کے جو پیڑ ہیں ان کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے, جسم کا لباس اتر گیا۔ تو شیطان بتاتا ہے کہ بادشاہت ملے گی, ہمیشہ کی زندگی ملے گی, فرشتوں جیسے بن جاؤ گے, لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات ماننے کے بعد
वो जो लिबास इज्जत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है वो लिबास उतर जाता है। तो कहा कि देखो जैसे शैतान ने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया तुम्हें वैसे फितने में मुब्तला न करें। और कहा कि इन्नहु यराकुम हुवा वकबीलुहुम मिन हैथु ला तरौनहु, वो और उसका कबीला तुमको वहां से देखता है जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। कहां से तुम पे हमला करेगा, किस रास्ते से तुमको गुमराह करेगा, किस एंगल से तुमको अटैक करेगा तुमको नहीं मालूम है। कहीं से भी तुमको धोखा दे सकता है। कुछ पर्दे उसके नूरानी भी होते हैं, कुछ हमले नूरानी भी होते हैं। एक नेकी से हटा के ऐसी नेकी में डालेगा जो उससे छोटी है ताकि ये बड़ा मर्तबा ना पाए, ऐसा भी कभी करता है। दीन के नाम पर कभी बेदीनी में भी डाल देता है, रसूल की मोहब्बत में बिदात में डाल देता है, औलिया की मोहब्बत में शिर्कियात में डाल देता है कि नहीं है। इमामों की ताज़ीम में कभी सुन्नत की मुखालफत पर डाल देता है। शैतान बड़ा धोखेबाज है। इन्ना शैतान लकुम अदुवुन मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है लेकिन दिखता नहीं है। अल्लाह ने बतला दिया कि शैतान की मानना नहीं। यहां कहा कि ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, यफ्तिनन्नकुम शैतान, कहीं तुमको शैतान भटका न दे, फितने में न डाल दे, गुमराह न कर दे, शर में मुबतला न कर दे। तो ये भी जो आयत है इससे मालूम होता है कि शैतान भी बहुत बड़ा फितना हमारे लिए है। इसी तरह से दज्जाल का भी फितना कयामत के करीब जाहिर होगा और वो भी बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा कानत फितनतु वला तकून हत्ता ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कोई फितना जो ما كانت فتنة, पहले कोई ऐसा फितना नहीं हुआ, वला तकून, और आइंदा भी ऐसा कोई फितना होने वाला नहीं। कौन सा फितना, حتى تقوم الساعة, कब तक, قیامت तक, आज से पहले और قیامت तक कोई ऐसा फितना नहीं है। अकबर मिन फितनत दज्जाल, जो दज्जाल के फितने से बड़ा फितना हो, यानी सारी फितनों में गुमराही के असबाब में इम्तहान और आजमाइश के एतबार से जितनी चीजें हो चुकी हैं या होने वाली हैं इन सब में सबसे बड़ा फितना अगर है तो किसका फितना है, दज्जाल का फितना है। यहाँ तक कि हदीसों में आया कि जितने नबी गुजरे हैं उन सबों ने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मतों को खबरदार किया है। यह और बात है कि बहुत सारे लोग आजकल अजीब अजीब बातें दज्जाल के बारे में कहने लगे हैं। दज्जाल क्या है, अमेरिका और फ्रांस है, ये सब खुराफात हैं। दज्जाल एक शख्स होगा, नहीं कहा ये सुपर पावर्स हैं। क्यों, उसकी पेशानी पर काफारा लिखा होगा, काफिर या कुफर या कफारा, तो उसकी पेशानी पर लिखा होगा। अब कहा देखो अमरीका को जोड़ो तो क्या होता है, अमरीका, और फ्रांस का फर तो काफिर। तो देखो ये कहाँ कहाँ दिमाग चलाता है मुसलमान, देखिए अल्लाह हिदायत नसीब करे। तो दज्जाल की पेशानी है वो, आप सोचिए तो काना कौन है, फ्रांस है कि अमेरिका है, आप सोचिए काना भी तो होगा ना। तो हदीस में कहा गया है कि वो शख्स होगा, एक वो शख्स होगा, उसको ईसा अलैहि सलाम कत्ल करेंगे, उससे नौजवान बात करेगा, और इस तरह की सारी चीज उसमें आई है। तो वो कुछ एक शख्स है, वो ऐसा नहीं कि कोई सिस्टम है और कोई पावर है। इस तरह की बातें ये सब जो हैं ये गलत बातें हैं, ये उलमा ने इसकी तरदीद की है, ये सही नहीं है। दज्जाल का अपना सिस्टम हो सकता है लेकिन पूरे उस सिस्टम ही को दज्जाल कह देना एक अलग चीज़ है। दज्जाल एक शख्स है जो लोगों को गुमराह करेगा, और पहले वो दावा करेगा मसीह होने का, वो दावा करेगा रब होने का, वो अपने आप को रब बताएगा, लोगों को कहेगा कि मैं अल्लाह, मैं खुदा हूँ तुम्हारा, मैं रब हूँ तुम्हारा, और लोग उसके धोखे में आएंगे। क्यों, इसलिए कि उसको बहुत सारे ताकतें, बहुत सारे पावर उसको दिए जाएंगे। इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है जिसमें बताया गया कि सारे फितनों में सबसे बड़ा फितना दज्जाल का होगा, और मुस्लिम में भी इसी के करीब अल्फाज के साथ यह हदीस आई है। आइए देखते हैं कि फितनों में नजात के लिए हमको क्या करना चाहिए। एक एक करके इख्तिसार से हम कुछ चीजें देखते हैं। इन चीजों का एहतमाम करने वाला इन फितनों में सलामत रह सकता है, इन चीजों का एहतमाम करने वाला इन फितनों में सलामत रह सकता है। नंबर एक,
तौहीद और ईमान की कुव्वत, तौहीद और ईमान का एहतमाम कि उसके पास मजबूत ईमान हो, ईमान कवी हो उसका, और उसके पास तौहीद हो, ऐसा इंसान फितनों में महफूज रह सकता है। क्यों? ईमान खुद एक जरिया है अल्लाह की मदद और हिफाजत का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कहा, युसब्बितु अल्लाहु अल्लज़ीन आमनू बिल क़ौलि थाबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह ताला साबित कदम रखता है, फितनों में साबित कदम रहना है, गुमराह नहीं होना है, तो इन फितनों में साबित कदम रहने के लिए क्या है? अल्लाह ने कुरान करीम में कहा, युसब्बितु अल्लाहु अल्लज़ीन आमनू, अल्लाह ताला ईमान वालों को साबित कदम रखता है, बिल क़ौल थाबित, एक साबित कौल के जरिए से, एक पक्की बात के जरिए से, एक मजबूत कौल के जरिए से, फिर हयात दुनिया और फिर आखिरा, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। आदि की बात औकात, मसलन आप देखेंगे गांव देहात में आदमी ठीक है तौहीद सीख लेता है, किसी आलिम से सुन के भाई आज गंडे नहीं करना और शिरकियात नहीं करना, गांव में सदे नहीं करना, ठीक है मान लिया उसने, सही तौर पर माना, इतना दिल की गहराइयों के साथ उसको नहीं माना। फिर अचानक बच्चा बीमार हो गया, पुनः डॉक्टर के पास गए, एक्सरे किया, यूं किया, ये चेक किया, वो चेक किया, सारे यानी टेस्ट करने के बाद भी डॉक्टर बोला हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्या बीमारी समझ में नहीं आ रही। जब डॉक्टर फेल हो जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, क्या बताते हैं, एक बाबा है, एक दरगाह है, वहां चलो, अब तुमने सबको ट्राई किया ना, अब हमारे ट्राई करो, क्या करो, दरगाह पे चलो, फुलाने बाबा की दरगाह पे चलो, वहां जाने के बाद सबकी मुरादें पूरी होती हैं। वो कहते हैं नहीं गुनाह है, हम लोग नहीं करते ऐसा, शिर्क है ये, ढीली ढीली आवाज में बोलता है, नहीं नहीं हम लोग तो नहीं कर सकते ऐसा। एक तरफ दिल मोहब्बत बच्चे की खींच रही, दूसरी तरफ शैतान खींच रहा है, अब बोलते हैं नहीं हम लोग नहीं कर सकते, कहते भाई गुनाह हमारे ऊपर रहने दो, बच्चे की जान को क्यों नुकसान पहुंचा रहे, ट्राई तो करके देखो, नहीं हुआ तो हमको बोलना। सारे रिश्तेदारों का प्रेशर आता है, ये प्रेशर उसको बादलों की तरह उठा के ले जाता है। अब जाके वो सारे वो कहते तुम खड़े रहना सिर्फ, हम सब करेंगे, तुम खाली थोड़ा बहुत सपोर्ट हमको कर देना, तुम अपनी गाड़ी में ले जाओ, बाकी सब हम करते हैं, हमारे ऊपर छोड़ो हम करेंगे। जाता है लेके, इसकी रिवा के साथ हो रहा है सब कुछ, वो लोग कर रहे हैं लेकिन ये करवा रहा है, और जाने के बाद अपना ईमान खो देता है। लेकिन अगर इसका ईमान पुख्ता हो तो उसकी जुबान से क्या निकलता है, मेरा बच्चा मर गया चलेगा, हम शिर्क नहीं करेंगे, मैं शिर्क से अपने बच्चे का इलाज नहीं कर सकता। मौत जब आनी आएगी, शिफा देने वाला ला शिफा इल्ला शिफा, अल्लाह के सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे वइज़ा मरितु फहुवा यशफी, जब मैं बीमार होता हूं तो अल्लाह उसको शिफा देता है, ये क्या शिफा देंगे मुझको, हम नहीं जानते। अल्लाह ताला मुसीबत से निकालता भी है। ये जमाने वाली चीज क्या है, फिसल गया ना, वो पहला वाला फिसल गया, वो सब कुछ कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, अब वैसा ईमान वापस बन नहीं पाता जो पहले था, एक बार ब्रेक हो गया वो, अब वापस वैसा इंटैक्ट नहीं हो पाता वो जैसा पहले था, मजबूत नहीं था वो, अब बिगड़ गया। लेकिन ये दूसरा ये बोलता नहीं, अब उसके बाद जब अल्लाह शिफा देते कहते देखो मैं नहीं आया लेकिन फिर भी अल्लाह ने शिफा दी, मेरा अल्लाह शिफा देने वाला है, दुआओं के जरिए से अल्लाह ने किया, ये पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, पहले से ज्यादा उसको मजबूती मिलती है। क्यों मिली है मजबूती, वो जमा रहा अपनी तौहीद के ऊपर, वो जमा रहा अपने ईमान, उसका ईमान उसको बचाता है ऐसे मामला। तो ईमान हमारे पास होना चाहिए मजबूत इन फितरों में अपने आप को जमाने के लिए। नंबर दो, अहले इल्म की मातहत थी, उलमा से जुड़े रहना, सब कुछ हम तो नहीं जानते हैं, बहुत सारे मसायल का हल हमको मालूम नहीं होता है, तो हम क्या करें, आंख बंद करके अंधेरे में भटके नहीं, जानने वालों से रब करके उलमा से जुड़े रहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अल्लाह ला यंज़िउल इल्मा बादा अन आताकुमूहु इब्तिज़ाअन, अल्लाह ताला इल्म देने के बाद तुमसे यूं ही छीन नहीं लेगा, इल्म दे दिया अल्लाह ने उसके बाद इल्म अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों से यूं ही छीन नहीं लेगा, वलाकिन यंतज़िउ मिन्हुम मा क़द्दर उलमा बिइल्मिहिम, बल्कि अल्लाह ताला एक एक आलिम को उठाता जाएगा और उलमा के कब्ज करने से, उलमा की मौत के जरिए अल्लाह इनको उठाएगा। हत्ता इदा लम युबकिया, हत्ता आप फरमाएं फयबका नासुन जुहालु, फिर कुछ जाहिल लोग बच जाएंगे, फयबका नासुन जुहाल, जब उलमा की मौत हो जाएगी तो जाहिल बाकी रहेंगे, युस्तफ्तौन फयफ्तून बिरायहिम, लोग उनसे फतवा पूछेंगे वो अपनी राय से फतवे देंगे, फयुदिल्लून वयदिल्लून,
दूसरों को भी गुमराह करेंगे और खुद भी गुमराह होंगे। उलमा ने कहा गुमराही कैसे आती है, जब उलमा नहीं होते हैं। उलमा दुनिया से चले गए, जाहिल रह गए। जाहिलों से लोगों ने पूछा, उन्होंने दूसरों को भी गुमराह किया, खुद भी गुमराह होते हैं। तो उलमा हिदायत का जरिया है, उलमा गुमराही से हिफाजत है। गुमराही के दौर में उलमा की तरफ रुजू करना गुमराही से हिफाजत बन जाता है। लिहाजा आदमी को चाहिए कि वो उलमा से हमेशा अपने आप को जोड़े रखे। इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया है। बहुत जबरदस्त बात है जो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कही है। फरमाते हैं, इन्नल फितनता इदा अकबलत अरफा अल आलिम, इन्नल फितनता इदा अकबलत अरफा अल आलिम व इदा अदबरत अरफा कुल जाहिल। फितना, आजमाइश, शर जब आ रहा होता है तो उसको आलिम पहचान लेता है। आता है तब उसके साए से पहचान लेता है उसको कि ये गड़बड़ होने वाली है। बुरे हालात, फितने, आजमाइशें, जब आलिम जो है, फितना जब आ रहा होता है तो उसको पहचान लेता है। कौन? आलिम। जब वो फितना सारी तबाही करके जाता है तब जाहिल पहचान लेता है उसको कि हाँ ये फितना था, देखो। तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी गुमराहियां आती हैं, लोग बोलते नहीं इसमें क्या गलत है, उलमा बोलते नहीं ये गलत है, बोलते आपको क्या मालूम है, आप ये कुछ गलत नहीं इसके अंदर, ये तो अच्छाई है। जब वो अच्छाई बाद में मालूम पड़ता है कि बाहर से अच्छाई थी, अंदर से पूरा शर था, उसके बाद जब नुकसान करके वो चीज निकल जाती है, तबाही मचा के चली जाती है, तब लोग बोलते नहीं वो बराबर बोलते थे, लेकिन तब तक के नुकसान हो चुका होता है। लिहाजा हमको चाहिए, हम आम लोग हैं, हम सीधे साधे लोग, हमको नहीं मालूम भाई, हम उलमा से जुड़े रहे, जिनकी दुनिया के हालात पर, सियासत पर भी हो या दीन पर भी हो, माजी की तारीख पर नजर हो, गुमराह फिरकों के ऊपर उनकी निगाह हो, कुरान सुन्नत का उनके पास इल्म है, इन सारे उलूम के माहिरीन, ऐसे जो भी बड़े उलमा हमारे हैं, उनसे हमको अपने आप को मजबूत रखना चाहिए और वो क्या कहते हैं ऐसे हालात में उसको देखना चाहिए, वरना हम भटक सकते हैं। अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात नहीं, नहीं मुझको सब समझता है, इसको नहीं समझता है, जो ऐसा बोले उसको नहीं समझता है। नंबर तीन, कुरान और सुन्नत और मनहज सलफ की पैरवी, यानी एक आदमी उसूल क्या बनाए, हर चिल्लाने वाले के पीछे दौड़े नहीं, कितना अच्छा बोल रहे उनके पीछे जाना। बाज़ लोग जो हैं इंटरनेट के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, किसी की एक बात पसंद आ गई, उसकी बात वो पसंद आ गई, उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं, फिर उसकी हर बात कबूल करने लगते हैं, ये नहीं देखते कि वो सही है कि गलत है। क्यों होता है ऐसा? उनके पास कुरान और सुन्नत का पैमाना नहीं होता है, उनके पास सलफ का मनहज नहीं होता है, ये चीज उनके लिए गुमराही का जरिया बनती है। हम बुनियादी तौर पर कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करें और ये देखें कि सलफ ने उस इल्म की तदबीर कैसे की, सहाबा ने कुरान और सुन्नत पर कैसे अमल किया। ये इल्म अगर हमारे पास है तो ये हमारे लिए यानी मजबूत फाउंडेशन बन जाता है, फिर इसकी रोशनी में हमको दिखाई देता है किसकी बात सही किसकी बात गलत है। आमतौर पर बहुत बारीक कोई बात है तो फिर उलमा की जरूरत भी पेश आती है, लेकिन बहुत सारी बातें आसानी से समझ में भी आ जाती है। क्यों? इसकी बुनियाद पुख्ता है। कुरान और सुन्नत का इल्म अगर आदमी के पास ना हो, सलफ के कमनहज के पास अगर नहीं है, उसूल अगर उसके पास नहीं है, तो ऐसा आदमी बहुत आसानी से गुमराह हो सकता है। अबू शुरय अल-खुज़ाई कहते हैं, खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अबशिरू व अबशिरू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और आपने कहा खुशखबरी सुनो, खुशखबरी सुन लो, खुश हो जाओ। अलैस तशहदून अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम गवाही नहीं देते इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ? قالوا نعم, सहाबा ने कहा हाँ बिल्कुल हम गवाही देते हैं। قال فإن هذا القرآن سبب, ये कुरान एक सबब है, सबब अरबी जुबान में रस्सी को कहते हैं, लटकी हुई रस्सी। فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ, और उसका दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है, فَتَمَسَّكُوا بِهِ, इसको मजबूती से पकड़े रहो, فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا, इसलिए कि तुम कभी गुमराह नहीं होगे, وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا, इसको मजबूती से थामे रखने के बाद तुम कभी कभी गुमराह नहीं होगे, यानी कुरान को थामे रहो, कुरान का इल्म तुम्हारे पास होना चाहिए। गुमराहियों से हिफाजत के लिए कुरान का इल्म असलुल उसूल असलुल उलूम है, ये सारे उलूम की माँ के तौर पर ही है। तो ये असल इल्म हमारे पास है, इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक्वम, ये कुरान एक ऐसी राह की तरफ रहनुमाई करता है जो बिल्कुल सीधी, पुख्ता और बिल्कुल कायम है,
इस कुरान का इल्म तुम्हारे पास होना चाहिए। इब्न हिब्बान ने इसको रिवायत किया है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसीकुम बितक्वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, तकवा की वसीयत करता हूँ, वस्समे वत्ताअ व इन अबदल हबशिया, और सुनने और फरमा बरदारी करने की तलकीन करता हूँ, चाहे तुम्हारे ऊपर एक हबशी को अमीर बना दिया जाए, चाहे तुम्हारे ऊपर एक हबशी को अमीर बना दिया जाए, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, इसलिए कि मेरे बाद जो कोई जिएगा वो बहुत सा इख्तलाफ देखेगा, فَعَلَيْكُمْ, अब उस इख्तलाफ के दौर में करना क्या है, इख्तलाफ के दौर में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो आपने फरमाया فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ, तो उस इख्तलाफ के दौर में तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम मेरी सुन्नत को थामे रहो, तुम मेरे खुलफाए राशिदीन जो हिदायत याफ्ता हैं उनके तरीके को, उनकी सुन्नत को मजबूती से थामे रहो, तमस्सकु बिहा वअद्दु अलैहा बिन्नवारिज, मजबूती से उसको थामे रहो और अपनी डाढ़ों से उसको पकड़े रहो, अपनी डाढ़ों से उसको मजबूती से उसको थामे रहो, वइयाकुम मुहदसातिल उमूर, और खबरदार दीन में निकाली गई नई नई चीजों से अपने आप को बचाए रखो, फइन्ना कुल्ल मुहदसातिन बिदअ वकुल्ल बिदअतिन दलाल, इसलिए कि दीन में नई निकाली हुई चीज बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। तो इख्तलाफ के दौर में अपने आप को हिदायत पर बाकी रखने के लिए क्या करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज और आपके सहाबा का मनहज ये निजात का रास्ता है। कुरान, सुन्नत और सलफ, ये तीन चीजें हैं, कुरान, सुन्नत और सहाबा का मनहज, सलफ का मनहज, असल तो सहाबा ही हैं, फिर वो लोग जो उस मनहज पर हैं, इस मनहज को सीखना, इस उसूल को सीखना, ये इंसान को गुमराही और फितनों के दौर में महफूज रखता है। इस हदीस को इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्न माजा और हाकिम ने रिवायत किया है। इसी तरह से फितनों के दौर में ख्वाहिशात का गुलाम बन के गुमराह होने से बचने के लिए जरूरी है कि एक इंसान अपने नफ्स का तज़किया करे। देखिए, अगर आदमी अपने गाड़ी, मिसाल के तौर पर अगर इतनी स्पीड से चलती है और ब्रेक कमजोर है, तो जब आदमी ब्रेक दबाएगा तब भी गाड़ी रुकती नहीं है, क्यों? इसलिए कि ब्रेक उसका क्या है, मजबूत नहीं है। तो ऐसे वक्त में जरूरी है कि इंसान अपने नफ्स की तरबियत करे कि वो रुकने के मकाम पर रुकने वाला बने, जहां अल्लाह ने उसको रोका है वो अपने इरादे से, अपने नियत से वो रुकने वाला बने कि मुझको ये आगे बढ़ना नहीं है। तो ये जो रुकने की सलाहियत है, ये तकवा के जरिए से मिलती है और ये नफ्स की तरबियत से मिलती है। जंगली जानवरों को भी लोग लाते हैं जंगलों से पकड़कर, और उनको जब तरबियत देते हैं, चाहे वो घोड़ा हो या शेर हो, तो पाबंद बन जाते हैं, क्यों? उन्होंने उसको तरबियत दी है। शुरू में उसको भूखा रखते हैं, उसके बाद उसका उसका उसकी अकड़ तोड़ते हैं, उसको मजबूर करते हैं कि वो बात माने। फिर सर्कस के अंदर आप देखेंगे कि सर्कस का रिंग मास्टर जैसा कहता है शेर वैसा करता है। तो क्यों हो गया ये? उसने उसको तरबियत दी। अगर वो तरबियत नहीं देता तो शेर उसकी गर्दन पकड़ के उसकी हड्डी तोड़ देता है, उसका खून पी जाता है। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? उसको ट्रेन किया गया है। हमारा जो अंदर जो नस हमारा है, उस जंगली शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। वो शेर एक एक इंसान की जान लेता है, उसके पेट भरने के बाद चुप बैठ जाता है। इसका नस इतना खतरनाक है कि कई जिंदगियां, कई इज्जतें खराब करके भी इसको सुकून नहीं आता है। ये रुकता नहीं है, नॉनस्टॉप हो जाता है, इसकी हिर्स कभी भरती नहीं है। लिहाजा अगर नफ्स की सलाह नहीं की गई, नफ्स की तरबियत नहीं की गई, नफ्स को उसका तज़किया नहीं किया गया, ये इंसान को इतने घिनौने काम करा सकता है कि इंसान उसका तज़किया करना भी मुनासिब न समझे। लिहाजा नफ्स का तज़किया जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन व युकफ्फिर अनकुम सय्यातिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, इन अब देखिए आयत में क्या अल्लाह ने फरमाया, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन, अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो, परहेजगारी किसको कहते हैं? तकवा। तकवा किसको कहते हैं? सेल्फ कंट्रोल। तकवा के माना असल लफ्ज उसका जो है वका से, वका बचाना, विकाया बचाने को कहते हैं, अपने आप को बचाना, रोकना, कंट्रोल करना ऐसी चीजों से जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जिनसे अल्लाह ने मना किया है। वो जो सेल्फ कंट्रोल अगर आ जाए, जो रोजे में हमको सिखाया जाता है, रोजे का मकसद भी क्या है? कुतिबा अलैकुम सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून,
तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे पिछलों पे फर्ज किए गए थे, क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, यानी तुम्हारे अंदर इरादे से रुकने की सलाहियत पैदा हो। कितने लोग आपको मिलेंगे, मैं बहुत रुकना चाहता गुनाह से लेकिन क्या करूं, हो जाता मेरे से, क्यों? इसलिए कि इसका ब्रेक पावरफुल नहीं है, इसका इसका अपने आप को रोकने की सलाहियत उतनी मजबूत नहीं है, इसने अपने आप को तरबियत नहीं दी रुकने की। रोजा इसीलिए है कि आदमी को भूख लगी रुके, प्यास लगी सामने पानी रुके, औरत पे निगाह पड़ रही है अपनी निगाह को झुका ले, आदमी रोके अपने आप को खाने पीने से और जिमा से रोके रखना, ये उसकी बुनियादी जरूरतें हैं जिनसे इंसान मगलूब होता है, इनसे रुकने वाला वो बने ताकि बहुत सारी दूसरी जो उसकी दिल की चाहते हैं और तमन्नाएं और उसके नफ्स की चाहते हैं उनसे रुकने वाला बने। तो तक्वा अगर इसमें आएगा तो अल्लाह ने फरमाया यजअल लकुम फुरकान, अल्लाह ताला तुमको एक फुरकान देगा, तुम सही गलत में तमीज करने वाले बनोगे। फितनों का दौर जब आएगा और सारी तरफ से अंधेरे छा जाएंगे, उन अंधेरों में तुम्हारे लिए गुमराहियों में फर्क करना आसान होगा, कौन सही कौन गलत, कौन हक पर है कौन बातिल पर, कौन सा रास्ता हिदायत का कौन सा गुमराही का। ये जो तफरीक की सलाहियत है ये तकवा से आती है, अगर तकवा इंसान के पास ना हो आदमी गुमराह हो सकता है। इसी तरह से एक फितनों के से बचने के लिए ये भी है कि समाज में निकाह का मामला आसान हो, निकाह का मामला क्या हो, आसान हो, और निकाह दीनदारी की बुनियाद पर किया जाए, निकाह में बेजा ताखीर ना हो। ये अगर चीजें होती हैं समाज में बहुत सारे बेहयाई के फितने खत्म हो सकते हैं। पढ़ाई की वजह से बाद औकात बच्चियों को सालों साल रुकी रहती है, कितनी 25-30 साल की हो गई, वो तो खुद ही ढूंढ लेगी, आपको ढूंढने की क्या जरूरत है भाई, माँ बाप क्यों तकलीफ उठाए ढूंढने की, लड़का वो तो कॉलेज में खुद ढूंढ लिया अपने लिए, तो इतनी उम्र आपने उसको मोहलत दे दी कि उसकी ख्वाहिशात जितनी भी हैं उसने अपने लिए ढूंढ लिया। तो बाद औकात ये चीज फितना बन जाती है, या दहेज की रस्म, इसकी वजह से बेटियां रुकी हुई हैं, रुकी हुई है, रुकी हुई है, फिर बच्ची बोलती है कि वालिद साहब से तो हो नहीं सकता, हम चार बहने हैं, एक काम करते हैं हम लोग जॉब के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पैसा लाएंगे, हमारे निकाह के लिए आसानी होगी। जब जॉब पे चली जाती हैं वहां पर लोगों से ताल्लुकात होते हैं, उस रास्ते पर निकल जाती है। निकाह को आसान अगर किया जाए और दीनदारी की बुनियाद पर निकाह किया जाए तो सारे फितनों की जड़ कट जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा अताकुम मन तरदौना खुलुकहु व दीनहु फज़व्विजू, तुम्हारे पास कोई ऐसा रिश्ता आए जिसके अखलाक और दीनदारी से तुम राजी हो, उसका अच्छा अखलाक है, उसका इसके अंदर दीनदारी है, अगर ऐसा रिश्ता तुम्हारे पास आए तो तुम निकाह कर दो, ज़व्विजू अपनी बच्चियों का निकाह उनसे कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जमीन में फितना वाक़े होगा और बहुत बड़ा फसाद होगा, एक आम जो है फसाद की लपेट में समाज आ जाएगा। तो मालूम है कि फितना कब आता है, जब निकाह के मामले में मामला टालने पर चला जाता है, सालों साल गुजर जाते हैं और निकाह में बेजा ताखीर होती है। तो यहां कभी दहेज की वजह से, कभी एजुकेशन की वजह से, कभी किसी और वजह से ऐसा रिश्ता नहीं मिल रहा जो खूबसूरत लड़का हो, खूबसूरत लड़की हो, मादा लड़का हो, मादा लड़की हो, सैयद घराना हो, सैयद घराने वाली हो, ये टालते टालते बाज़ औक़ात मामला हाथ से निकल जाता है। आज का माहौल बहुत गंदा है, बहुत खराब है, अपने बच्चों की हिफाजत करना चाहिए। इमाम तिर्मिज़ी इब्ने माजा और हाकिम ने इसको रिवायत किया है। इसी तरह से फितनों के दौर में एक और बहुत अहम चीज ये है कि हम एक दूसरे को अमर बिल मारूफ और नहि अन मुनकर का एहतमाम करें, लोगों को उनके हाल पर न छुएं। एक आदमी डूब रहा है, बस आप तैर सकते हैं, वो नहीं तैर सकता है, आपका काम है कि उसको बचाएं। आप दीन पर चल रहे हो, कोई आदमी है कमजोर है दीनदारी में, उसका पांव फिसल सकता है, आप हाथ से उसको पकड़ के खींचो, ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है। लिहाजा फितनों में जरूरी है कि एक इंसान दूसरों को अम्र बिल मारूफ करे, नहीं अनिल मुनकर करे, ये उसके लिए कफारा भी बन जाता है अपनी गलतियों के लिए, और ये उसके लिए हिफाजत बन जाता है फितनों से और उनसे। जब एक आदमी दूसरों को गुमराही से रोक रहा है तो खुद कैसे पड़ेगा उसमें, उसका जहन हमेशा ताजा रहेगा कि क्या चीज गुमराही और क्या हिदायत, उसके लिए खुद बचना आसान हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फितनतुर रजुली फी अहलिही व मालिही
ونفسه وولده وجاره. آپ نے کہا کہ انسان کا فتنہ ہے, انسان کے لیے آزمائش اور امتحان ہے, کن چیزوں میں؟ فی اہلہ, اس کے گھر والوں میں, ومالہ, اس کے مال میں, اس کے نفس میں, ونفسہ, اس کی اپنی ذات میں فتنہ ہے, اس کا اپنا نفس بھی تو ہے, اس کے لیے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور وولدہ, اپنی اولاد ہے, وجارہ, اس کا پڑوسی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو امتحان اس کے لیے ہیں, یہ اس کے لیے فتنہ بن سکتے ہیں. یکفرہا الصیام, ان سب فتنوں میں, آزمائشوں میں جو لغزشیں سے ہوتی ہیں ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے کیا؟ الصیام, روزہ, والصلاۃ, نماز, والصدقہ, اور صدقہ, اور کہا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اس سے کیا بن جاتا ہے؟ کفارہ, جو لغزشیں, جو غلطیاں تعلقات میں انسان سے ہوتی ہیں ان کے لیے, ان فتنوں میں کفارہ بنتا ہے لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرنا اور برائی سے روکنا. آج ہم لوگ یہ چھوڑ دیے ہیں بھائی, کسی کیوں دخل اندازی کرنا, سارے پلانٹ اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں, ایک دوسرے کے آربٹ میں جاتے نہیں, ہم کیوں جانا دوسرے کے آربٹ میں؟ ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا بھائی, اپنی اپنی زندگی جیو, تم تمہاری جگہ صحیح, ہم ہماری جگہ صحیح, تم بھی خوش ہم بھی خوش. یاد رکھیے, سب خوش ہمارا قانون نہیں ہونا چاہیے, رب خوش ہمارا قانون ہونا چاہیے. ہم سب کو خوش کرنے میں رب کو ناراض کر رہے ہیں. کوئی آدمی کسی کو بولتا ہے بھائی جی صحیح نہیں ہے, رشتے داروں کو, ہاں سسرال والوں کو کبھی نہیں بولتا آدمی, دوستوں کو اور اپنے آس پاس رہنے والوں کو, اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو نہیں بولتا آدمی. کیوں نہیں بولتا ہے؟ بولنا چاہیے. آپ سختی سے مت بولو لیکن بولو, بچاؤ. کوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے, بچائیے اس کو, کوشش کیجیے اس کے بچانے کی. آپ کی بات وہ مانے گا نہیں بھی مانے گا, آپ اللہ کے یہاں بری ذمہ ہو گئے, اپنے آپ بتایا اس کو. اخلاق سے بتائیے, نرمی سے بتائیے, چھوٹا بن کے بتائیے, محبت سے بتائیے, اپنے پن سے بتائیے, لیکن بتائیے اس کو. کل کو قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ تم نے اتنے سال میرے ساتھ رہے, دوستی رہی, چائے پیتے رہے, کھائے پیے, اٹھے بیٹھے, ملے جلے, سفروں میں پکنک پر گئے, کبھی تم نے مجھ کو نہیں بتایا کہ میں غلط جا رہا ہوں, کیا تم نے دوستی کا حق ادا کیا؟ اگر کل کو قیامت کے دن پوچھ رہے کیا بتائیں آپ, کیا جواب دیں گے؟ شرمندہ نہیں ہوں گے؟ شرمندہ ہوگا آدمی. تو لہٰذا اس بات کا اہتمام کریں کہ ان ان فتنوں کے, اس فتنے کے دور میں ہم اپنے جو بھی تعلقات والے ہیں, جہاں ہماری پہنچ ہے, ان کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں. دوسروں کو بچانے کی کوشش اپنے بچانے کی ضمانت ہے. یہ اگر دوسروں کو بچانے کی فکر کرے گا, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی بچائے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اگر یہ ان پر احسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے. ایک مسلمان کی پردہ پوشی اگر آدمی کرے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. ایک مسلمان کو دنیا میں اگر آدمی پہنائے, اللہ قیامت کے دن اس کو پہنائے گا, اس کو کھلائے, اس کو کھلائے گا. ایک مسلمان کے ساتھ اگر اس کو دین پر لائے, اس کو گمراہی سے, جہنم سے بچائے, اس کو نہیں بچائے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ کوشش آدمی کرے کہ دوسروں کو گمراہی سے بچائے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑے نہیں, ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑے. اور آخری چیز جو ہے, میں بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, کہ آدمی اللہ رب العالمین سے دعا مانگے. کیونکہ ہم کتنے بھی انٹیلیجنٹ ہوں, ہم کتنے بھی ایکسپیرینسڈ ہوں, ہم کتنا ہی کتنے کنیکٹڈ ہوں, جو بھی ہم کریں, اللہ جب تک نہیں بچائے ہم نہیں بچ سکتے. ہماری ساری صلاحیتیں ایک طرف, اللہ رب العالمین کی حفاظت ایک طرف, تو اللہ کے بچانے سے آدمی بچتا ہے. اسی لیے انبیاء اللہ سے دعا کرتے تھے. لہٰذا فتنوں کے بارے میں ہم کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. تعوذ باللہ من الفتن, فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگ. ما ظہر منہا وما بطن, چاہے وہ فتنے ظاہر ہوں یا مخفی, کھلے فتنے ہوں یا چھپے ہوئے فتنے ہوں, ان فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے مانگے کہ اللہ جو بھی فتنے ہیں, چاہے وہ مال کا فتنہ ہو, عورت کا فتنہ ہو, چاہے وہ نفس کا فتنہ ہو, شیطان کا فتنہ ہو, دجال کا فتنہ ہو, جو بھی فتنے ہیں, اللہ ان تمام فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما. ہم کو یہ دعا کرنی چاہیے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو نجات دے ان سارے فتنوں سے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو بہت ہی منتشر انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس فتنوں کے دور میں سنبھلنے کی, سوچنے سمجھنے کی اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو حل اس کے لیے قرآن و سنت سے ہمارے سامنے آتا ہے اس حل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.
हम फिर एक बार जो है शेख मोहतरम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी मसरूफियत के बावजूद आप 10 दिन से मुसलसल दौरे यूमिया में मदीना में थे, उसके बावजूद आपने जो है हमारी दावत पर लबैक कहा, इसलिए हम जो है बहुत ही शुक्रगुजार है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं इतनी मसरूफियत के बावजूद आपने हमारी दावत पर लबैक कहा। और साथ ही साथ हमारे जो साथी मदीना से आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे मुजीबुल्ला भाई उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे शेख मोहतरम जो बड़ा जगिया मुस्तफ़ी दाई है शेख फारूक फिजाउल्लाह उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, ये दोनों जो है इस प्रोग्राम को लाइव कर रहे थे, और साथ ही साथ आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम कि जो है आपने इतनी मसरूफियत के बावजूद कल बल चुके हैं उसके बावजूद आपने जो है अपना वक्त दिया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमारे यहाँ आने को अल्लाह कबूल फरमाए। एक दो ऐलानात है जरूर समाप्त फरमाएँ आप जो है अगले